Hi everyone, I hope you're really doing well. Today we are going to cover another poem which name is I Think of You by Nazim Hikmatyar. Yeah. So it's also very easy and interesting poem. Let's get started. So the poem has been started with these lines that I think of you and I feel the scent of my mother, my mother, the most beautiful of all. Okay, let me tell you one thing that in this poem we are not going to show that this poem is dedicated to whom. टू हर मदर और टू हर बिलवड लेकिन दोनों ही जो है कंट्रोडिक्ट्री ये पोइम है और दोनों ही जो है वो हम लोग ले सकते हैं क्योंकि सम हा स्टार्टिंग में वो अपनी माँ की बात करता है और उसके बाद जो है अपनी बिलव्ट की बात करता है तो वी डिली डोंट नो कि ये पोएम किसको डेडिकेट है ठीक है तो स्टार्टिंग करता है थिंक ऑफ यू मैं आपके बारे में सोचता हूँ अपने बिलफ्ट को कह रहे हैं कह रहे हैं मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ और मैं महसूस करता हूँ क्या चीज़ अपनी माँ की खुशबू को मेरी माँ जो कि पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत है सिंपल नेक्स्ट इज अब राइटर कहते हैं यूर ओन दैरसल ऑफ द फेस्टिवल इन साइट मी यानी मेरे अंदर एक फेस्टिवल है ठीक है मेरे दिल के अंदर एक फेस्टिवल हो रहा है और उस फेस्टिवल के अंदर तुम्हें तो कैरोसिल के ऊपर बैठी हुई हूँ कैरसिल गाइस यूड डू यू नो ना कि कैरोसिल क्या है ओके लेट मी शो यू द पिक्चर सो दिस इज द कैरोसिल इस तरह का झूला होता है जहा पे बच्चे बैठते हैं और ये जो घोड़े होते हैं ना वो ऊपर नीचे होते हैं वो घूमते जाते हैं ठीक है गोल गोल घूमते हैं तो दिस इज कॉल्ड कैरोसिल राइटर कहता है कि मेरे अंदर एक ऐसा मेरे दिल के अंदर फेस्टिवल है जिस उस फेस्टिवल के अंदर तुम उस कैरोसिल के झूले पे बैठी हुई है जहां पे तुम यू होवर अराउंड जो कि तुम इधर उधर घूम रही हो यूर स्कर्ट एंड योर हेयर फ्लाइंग जिसमें तुम्हारे बाल और तुम्हारे स्कर्ट दोनों

वट इज़ द रीजन दैट आई हेयर योर वॉइस वो क्या वजह है कि मैं तुम्हारी आवाज़ सुनता हूँ वैन यू आर सो फॉर जबकि तुम बहुत दूर हो एंड आई कॉन्ट हैल्प गेटिंग अप विद एक्साइटमेंट और मेरे अंदर इसकी क्या वजह है कि मैं तुम्हारी आवाज़ हालाँकि तुम इतनी दूर हो जब मैं तुम्हारी आवाज़ सुनता हूँ तो मेरे अंदर वो एक्साइटमेंट वो एक्साइटमेंट सॉरी पैदा नहीं होती कि मैं जल्दी से उठ जाऊँ और अपनी मदद करूँ और तुम्हारे पास पहुँच जाऊँ ऐसा कुछ नहीं होता बल्कि मैं जब भी तुम्हें याद करता हूँ इट्स जस्ट लाइक अ वाउंड ऑन माई हार्ट वेन एव आई हेयर योर वॉइस इट्स जस्ट लाइक दैट आई एम नॉट मच एक्साइटेड बाई हेयरिंग योर वॉइस ओके द आई डाउन एंड लुक एट योर हैंड्स मैं घुटने टिकता हूँ और तुम्हारे हाथों की तरफ देखता हूँ आई वॉन्ट टू टच योर हैंड्स मैं तुम्हारे हाथों को छूना चाहता हूँ बट आई कांट लेकिन मैं छू नहीं सकता यू आर बिहाइंड अ ग्लास क्योंकि तुम एक ग्लास के पीछे छुपी हुई एक मिरर के पीछे छुपी हुई है उस पीठाट आई आम जस्ट बी वाइड स्पेक्टेटर ऑफ द ड्रामा और मैं एक ऐसा तमाशा हूँ दैट आई एम प्लेइंग इन माई ट्वाइलाइट मैं सिर्फ अपनी उस धुंध दुन, धुंधली सी जो मैंने एक पूरा इमेज बनाया हुआ ना मैं सिर्फ उसमें खुद ही खेल रहा हूँ और ख़ुद ही मैं एक तमाशे खुद ही उस सारे ड्रामे को जो है ना वो ऑब्जर्व कर रहा हूँ देख रहा हूँ और मैं कर कुछ नहीं सकता मैं तुम्हें देख रहा हूँ तुम्हारी आवाज़ सुन रहा हूँ तुम्हारे हाथों को छूना चाहता हूँ लेकिन मैं तुम्हें नहीं देख सकता तुम्हारी इमेज जो है मेरे सामने है तुम एक आ, मेरे दिल में एक फेस्टिवल हो रहा है उसके अंदर तुम एक कैरअसल पर बैठी हो लेकिन जो है तुम्हारा चेहरा बहुत जल्दी ही मेरी आंखों से जो है गुम हो जाता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता यहाँ पर दो वर्ड्स तो है जो है ट्वाइलाइट का मतलब होता है द लाइट वो वाली लाइट होती है जब पूरी रात होती है और सूरज जो है वो वो निकलने वाला होता है है और जो हल्की सी लाइट होती ना सूरज निकला नहीं होता और ना ही रात होती है तो एक लाइट तो जो कि सूरज के बिना होती है सूरज से पहले होती है या रात जो है वो खत्म होने वाली होती है तो वो बहुत कम सिधुदे सी लाइट होती है उसे ट्वाइलाइट कहते हैं वो क्लियर नहीं होती लेकिन उसको ट्वाइलाइट कहते हैं हाँ एक ये भी इसको भी ट्वाइलाइट कहते हैं और एक जब रात हो रही थी सूरज ग्रूब हो जाता है और उसके बाद रात होने वाली होती है ना तो उसके दरमियान एक छोटा सा जो बहुत ही कम टाइम के लिए ना एक टाइम पीरियड होता है जहाँ पे एक ट्वाइलाइट होती है यानी आप अगर छत पे जाएँ सूरज ग्रूप हो गया ना तो एकदम से अंधेरा नहीं हो जाता एक हल्की हल्की मध्यम सी लाइट रहती है छत पे तो वो उसको टॉयलेट कहते हैं ठीक है तो ये दोनों चीज़ें सिंबलाइज़ करिए एक होप को भी सिम्बलाइज़ करिए और एक जो है वो डिसअपॉइंटमेंट को भी शो करे जो आपका है स्प्रेट जो बंदा होता है ना उसकी होप खत्म हो जाती है उसको भी यानी अगर सुबह का सूरज निकलने वाला है और उस होप की उस टॉयलेट की बात करें तो डेफिनेटली इसमें होप की बात की गई है लेकिन अगर सूरज ग्रुप हो गया ये उसके बाद की टॉयलेट है तो डेफिनेटली इसके बाद अंधेरा आएगा तो उसकी ला, लाइफ में जो है वो अंधेरे अंधेरा आने वाला है तो ये थी आज की पोइम और अब इसके थीम्स देख लेते हैं तो इस पोइम में थीम्स की बात अगर करें तो सबसे पहला थीम हमारे पास आ जाता है लव का उसके बाद होपलेसनेस का आ जाता है डिसअपॉइंटमेंट का थीम आ जाता है क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता मेमोरी का आ जाता है लूजन यानी उसने अपनी माँ को याद किया और उसके बाद अपनी बिलाव को भी पता नहीं वो मर गई है या किस कहाँ पे है लेकिन वो उसके पास जा नहीं सकता हेल्पलेसनेस का थीम आ जाता है इसके अलावा राइटर ने जो है इमेजरी क्रिएट करने की कोशिश की और बहुत अच्छी उसने इमेजरी जो है क्रिएट की है लैंग्वेज बहुत ही ईजी और सिंपल थी सो दिस इज़ ऑल अबाउट टू डे पॉइंट स्टे टूट फॉर मोर सच वीडियो तब